कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का काफी यूजफुल है. सो एज यू नो वी आर फ्रॉम सूरत ग्रुप ऑफ स्कूल्स, ओके, एंड वी आर डीलिंग हियर विद सर्कुलर मोशन एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑन सर्कुलर मोशन. नाउ आई वुड लाइक टू डील विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ curvature. This is called radius of curvature. Radius तो आपको पता है, अगर मैं आपको बोलूं कोई सर्कल है, ये सर्कल क्या है? कर्व है. इट इज अ कर्व. अब इसका रेडियस क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा. सर्कल इज एनी कर्व एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल विल बी कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. दैट्स इट. सिमिलरली यहाँ पे कैसा भी पाथ हो इसके लिए आप रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन कर सकते हो. मान लो ये कोई ऐसा रोड है आपके गांव का या आपके शहर का, कुछ ऐसा रोड, ठीक. तो हर पॉइंट पे यहाँ पे देखो क्या है कि कर्व बन रहा है. इस पर्टिकुलर पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, मतलब इस पॉइंट का जिस जहाँ पे कि सेंटर आप उम्मीद करते हो कि अगर मैं यहाँ से एक सर्कल बना दूं तो जो सेंटर होगा वहां उस सेंटर का और इस पर्टिकुलर पॉइंट ए का डिस्टेंस जो होगा वो कहलाएगा इस कर्व का एट ए द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाता है यहाँ पे, जैसे कि ए पॉइंट पे मेरे को एक सर्कल बना दूं मैं, यहाँ पे इधर को टेंजेंशियल डायरेक्शन है, मतलब द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. अगर मैं बोलूं पार्टिकल इस तरीके से इस पाथ को फॉलो कर रहा है तो इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पे वेलोसिटी उधर की तरफ होगी. फिर यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे आप और इस सर्कल का जो रेडियस होता है, इस सर्कल का जो रेडियस होगा दैट विल बी कॉल्ड, एक सेकेंड रुकिए, यहां से मैं एक सेंटर, ये सर्कल का सेंटर और इस पॉइंट को मैं मिला देता हूं दोनों को, तो ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कर्व एट पॉइंट ए. अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि एक छोटा सर्कल बनेगा, मतलब जिस पॉइंट पे कर्व पे जिस पॉइंट कर्व के जिस पॉइंट पे कर्व बहुत ज्यादा मुड़ जाए, है ना, कर्व बहुत शार्प हो जाए, उस पॉइंट को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है. मतलब ये पॉइंट देखो कितना ज्यादा कर्व हो रहा है यहाँ पे, दिस कर्व इज गेटिंग टर्न्ड, ओके. तो यहाँ पे जो ये जो सर्कल बना इसका जो रेडियस होगा मैं इसको आर बी मान लेता हूँ. तो आर ए और आर बी क्या है यहाँ पे, दिस आर ए एंड आर बी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इज कॉल्ड व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कर्व, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कर्व एट पॉइंट A and point B. At point A and point B. Okay, अब आप इस डायग्राम से क्या देख रहे होंगे, मैंने एक रेडियस जो A पे बनाया है सर्कल, इसका रेडियस ज्यादा है B के पॉइंट B पर जो सर्कल बन रहा है उसके रेडियस. इसका मतलब कि किसी भी आर्बिट्ररी पाथ के लिए, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बोला था, किसी कर्वी लीनियर मोशन के लिए, है ना, वो कर्वी लीनियर ये सर्कुलर भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी कैसा पाथ है, हर एक पाथ के लिए जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा. अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है हर पॉइंट पे तो पाथ डेफिनेटली क्या होगा, एक सर्कल होगा. तो यहां से आप इस पॉइंट को कंक्लूड करते हुए अगर लिखना चाहो, सिंस आर ए इज ग्रेटर देन आर बी सो
the radius of curvature is not unique for the given curve. Okay, या फिर मैं और आसान भाषा में लिखूं, radius of curvature do not remain same. Do not remain same. रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं होता है, इट चेंजेस. इसको लिखते हैं आर ओ सी, कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो ये आपको समझ में आया होगा. तो इस पार्ट को अगर मैं अलग से थोड़ा सा ड्रॉ करूं, देखिए यहाँ से हम उठा के ले चलते हैं इसको. इस डायग्राम को मैं दूसरे पेज पे ले चलूं जरा. ये बनाया हमने पिछले पेज में, इसको समझो जरा. ए और बी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग, रेडियस की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट. ओके फाइन. सी, ए पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी, वी. ओके, और बी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी, यहाँ पे मान लो कुछ वी ए, बी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ वी बी. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में हम अपने को क्या यहाँ पे रिलेशन कहाँ से ला सकते हैं. मान लो अपने को कभी कैलकुलेट करना, तो हमें पता है कि नॉर्मल एक्सलरेशन इस पॉइंट पे किधर को होगा, टुवर्ड्स द सेंटर. यहाँ पे नॉर्मल एक्सलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, वेलोसिटी अलग अलग है तो नॉर्मल एक्सलरेशन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमें नॉर्मल एक्सलरेशन के बारे में पता है. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर. यहां से अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ए पॉइंट का डिफाइन करूं तो क्या बोलूंगा, ए पॉइंट की वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर. ए पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन डिफाइन करूं तो क्या करूंगा, वेलोसिटी एट ए स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए. यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी नॉर्मल एक्सलरेशन की वैल्यू होगी. So, यहां से भी आप क्या कह सकते हो, ए पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ए पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी है उसको नॉर्मल एक्सलरेशन से डिफाइन कर दो, डिवाइड कर दो. और दूसरा, बी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिखोगे, तो बी पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर करो और नॉर्मल एक्सलरेशन से डिवाइड. कुछ खास इसमें टफनेस नहीं है, बट कॉन्सेप्ट काफी इम्पोर्टेंट है. तो इस फॉर्मूले में इफ आई राइट the normal acceleration equals to v square upon r, तो क्या क्या टर्म्स के नाम है एक बार हम लिखते हैं. a n, a n को क्या कहते हो, we call this a as normal acceleration. you call the r as radius of curvature. r को आप क्या बोलते हो, radius of कर्वेचर. देन वी, वी को क्या कहते हैं हम, वी स्क्वायर, या वी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. शब्द का मतलब समझना, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे कि आप इंस्टेंटेनियस, एन ई ओ यू एस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब जिस इंस्टेंट पे कि आप नॉर्मल एक्सलरेशन और रेडियस ऑफ कर्वेचर के रिलेशन को यहाँ पे लिख रहे हो, उस इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है वही यूज होगी इस फॉर्मूले में. ओके, देन आगे बढ़े यहां से, तो कुछ पॉइंट्स सीखते हैं. सम की पॉइंट्स आर देयर डिपेंडिंग ऑन दिस एनालिसिस. राइट डाउन द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन सेज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. आर ओ सी लिखूंगा तो आप समझ जाओगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज इंफिनिटी, इज इंफिनिटी. ओके, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पाथ है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कहां मिलेगा जाकर, जो सब जहां पे इसका पर्टिकुलर पॉइंट पे सेंटर आपको दिखेगा, तो कहां सेंटर दिखेगा मेरे को जाके, इंफिनिटी पे. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कर्व.
ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ अ कर्व एंड नॉट द पार्टिकल, एंड नॉट द पार्टिकल. इस शब्द का मतलब, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी सर्कुलर पाथ पे, या फिर मान लो कोई भी आर्बिट्ररी शेप है, ऐसा करके कोई पाथ है, इस पे आप जाते हो एक बार बाइक लेकर के, ठीक, दूसरी बार आप जाते हो कार लेकर के, तो क्या बाइक और कार के लिए अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर तो नहीं होगा ना? जो पार्टिकल इस पे मूव कर रहा है उस पे डिपेंड नहीं करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियरली डिपेंड किस पे करता है, पाथ है, ये प्रॉपर्टी है किसका, कर्व का, जिस पॉइंट पे जैसी टर्निंग है इसकी उस हिसाब से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन हो जाता है. सो आर ओ सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कर्व एंड नॉट द पार्टिकल. नाउ वी विल बी लुकिंग फॉर अ वेरी गुड एग्जाम्पल एज आई कनेक्ट द क्वेश्चंस ऑफ काइनेमेटिक्स एंड सर्कुलर मोशन विद द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑलवेज. सो यू हैव अ प्रोजेक्टाइल हियर, this is y and this one is x, and the particle having velocity, you have given the velocity to this particle 40 under root 2 meter per second, the last question which we have dealt already, and the angle which is used to throw is 45 degree. Find the radius of curvature. For this question you have to find the radius of curvature for first part t equals to 1 second, the second part t equals to 4 second, and the third part t equals to 7 seconds. So for these time instant you have to find the radius of curvature. पहले part को मैं solve कर देता हूँ, दूसरा part आप खुद से करें. So what is the question here? You see the question. इस तरीके से projectile को हमने throw किया है यहाँ पे. तो मेरे को radius of curvature बताना है. तो t equals to 1 second पे. Actually मुझे radius of curvature बताने के लिए क्या चाहिए? At t equals to 1 second पे अगर मुझे radius of curvature बताना है उस point पे, मतलब t equals to 1 second पे जो भी वेलोसिटी है वो फाइंड करो, उसका स्क्वायर करो, और जो भी नॉर्मल एक्सेलरेशन है t equals to 1 second से डिवाइड करो. तो आपको इस पूरे कैलकुलेशन के लिए क्या क्या चाहिए वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको फाइंड करना है. तो वेलोसिटी क्या लिखते हैं, व्हाट डू यू राइट फॉर द वेलोसिटी? वेलोसिटी इन x विल ऑलवेज बी 40 root 2, cos 45 degrees 1 by root 2. This is 40 meter per second, and velocity in y will be what? 40 minus gt. T को 1 put कर दो. आप पहला part अगर solve कर रहे हो, मैं पहला part solve कर रहा हूँ कि t equals to 1 second पे ये कार्यक्रम में कर रहा हूँ. तो t equals to 1 second पे ये velocity in y direction क्या आ जाएगा? 40 minus 10, that is 30 meter per second. इसका मतलब velocity at t equals to 1 second we will be getting is under root 40 square, under root 40 square plus 30 square, so the velocity is 50 meter per second. So ye numerator ka ye wala value to humne find kar liya jo required hai mere ko velocity ka. Ab us point pe mere ko normal acceleration ki value find karni hai. So normal acceleration ki value kitni aa jayegi वो आपको फाइंड करना पड़ेगा. तो जब आप इस पाथ की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल की मैं बात करूं, तो ये कंप्लीट कर रहा होगा अपना, एक सेकंड, दिस प्रोजेक्टाइल विल बी कंप्लीटिंग इट्स पैराबोलिक पाथ. लाइक दिस, ये ऐसा करके पैराबोलिक पाथ कंप्लीट कर रहा होगा. मैं t equals to 1 second की बात करूं अगर यदि, तो इसके पास नेट एक्सेलरेशन इधर को होगा, नहीं ये नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, और ये क्या है, नेट एक्सेलरेशन है.
नेट एक्सलरेशन डाउनवर्ड नॉर्मल एक्सलरेशन इधर को, तो ये क्या आ जाएगा, और टेंजेंशियल एक्सलरेशन किधर होता है, इस तरफ, ये हम किए हुए हैं पिछले क्लास में। टेंजेंशियल और नॉर्मल के बीच का एंगल अगर यदि थीटा है अभी, ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। नॉर्मल एक्सलरेशन को मैंने कैलकुलेट किया था, जिसकी की वैल्यू क्या थी आपको मैं दिखा दूं, दिखाना जरूरी है या फिर आप समझ जाओगे। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, एक सेकंड रुकिए, आप लोग ट्राई करिए इस प्रॉब्लम को, थोड़ा फास्ट हो गया आज, बट यू गाइस प्लीज ट्राई दिस प्रॉब्लम। तो हमने नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू इसके लिए ऑलरेडी पिछले क्लास में फाइंड किया हुआ है, इसकी की वैल्यू आ जाती है 8 मीटर पर सेकंड। इसके यहाँ से जब आप करोगे यू विल गेट 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आज भी मैंने आंसर लिखा है ना, सेम तो प्रॉब्लम है, देखना जरा सा, यहाँ पे टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पे नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाकी सारी चीजें सेम है, आप देख लेना कैसे हमने नॉर्मल एक्सेलरेशन फाइंड किया है। हेंस एट टी इक्वल्स टू 1 सेकंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी रिटन एज वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन नॉर्मल एक्सेलरेशन। व्हाट इज द वेलोसिटी स्क्वायर हियर, 50 स्क्वायर, सो 50 × 50 / 8, यू विल गेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 2500 मीटर। 50 = 1 सेकंड क्या आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। बाकी का मैं आंसर आपको बता देता हूँ, आप इसको ट्राई कर लेना और आंसर को मैच कर लेना। सेकेंड पार्ट में आ जाएगा आंसर 160 मीटर, और इसमें फिर सेम आ जाएगा आपके पास 2500 / 8 मीटर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आ जाएगी। पहले पार्ट को मैंने कर दिया है, सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद से कर लेना। कम टू द अनदर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके, सो राइटिंग द नोट, फर्स्ट वन, व्हेन टर्निंग, देसी लैंग्वेज में है, थोड़ा सा समझ लेंगे आप लोग। व्हेन टर्निंग इंक्रीजेस रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीजेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीजेस, और इसी का दूसरा भाई है रिलेटेड पॉइंट, व्हेन टर्निंग डिक्रीजेस आरओसी रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इंक्रीज। पॉइंट तो आप समझते हो, अभी भी मैंने आपको शो भी किया है। सेकंड पॉइंट, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये नीट वालों के लिए खास करके है पॉइंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर इज एट हाईएस्ट पॉइंट, मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर इज एट हाईएस्ट पॉइंट, ओके, एंड मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर इज एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इज एट द, जहां से आप थ्रो करते हो उस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जो मैक्सिमम पॉइंट होगा उस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। Where we have written the points. Okay. This one, radius of curvature is the property of the curve, property of a curve, and not the particle. Okay,
बाइक है, बाइक के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वही कार के लिए भी होगा, ऐसा करके ये पॉइंट में बनाने का प्रयास करता है, लेकिन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं सो वी डू नॉट नीड टू राइट. नाउ वी विल बी लुकिंग फॉर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कॉन्सेप्ट, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तक जो हम देख रहे थे मेनली क्या था, यूनिफॉर्म था, अभी हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें. बीच में मैंने एक क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का भी सॉल्व कर दिया है, जो आज का पहला सवाल था, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन तो इसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, नॉन यूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. आपको पता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस. मैग्नीट्यूड, अभी पिछले केस में यूनिफॉर्म में क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा था, कांस्टेंट था. यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, इसको कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ यहाँ पे डायग्राम बना के समझाने का प्रयास करता हूँ. देखिए ये एक सर्कल है, सर्कुलर पाथ है, और इस सर्कुलर पाथ की क्या है कि ये मान लो सेंटर, सर्कुलर पाथ का सेंटर है सी, और इस सर्कुलर पाथ के इस पॉइंट से अगर ये भी लगे मेरे को सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन किधर को दिखेगा, अपवर्ड डायरेक्शन. इस सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन को ही आप क्या बोलते हो, नॉर्मल एक्सलरेशन. मान लो इस पाथ का रेडियस आर है, ठीक, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कोई पाथ, तो वेलोसिटी इसकी किधर को होगी, राइट हैंड साइड में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे. और अगर इस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, इसका मतलब देयर मस्ट बी अ टेंजेंशियल एक्सलरेशन. मैंने आपको बताया था जब मैग्नीट्यूड चेंज हो तो टेंजेंशियल एक्सलरेशन का रोल आ जाता है, और जब डायरेक्शन चेंज हो रहा हो तो कौन सा एक्सलरेशन का रोल आता है, नॉर्मल एक्सलरेशन. ठीक, यहां से आप देखो तो कुछ इस डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, नेट एक्सलरेशन. ओके, यू गेट द नेट एक्सलरेशन इन दिस डायरेक्शन. यहां से हम नेट एक्सलरेशन को इन द वेक्टर फॉर्म क्या लिख सकते हैं, लेक्चर रिस्टार्ट करना पड़ेगा because of exceeding the time limit, so you guys will be sending me the request as soon as possible. I'm waiting for you.